Hello YouTube family, welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. So in today's video, I am going to show you some Bioderma products and Bioderma के सारे products जो है France में manufacture होते हैं and ये सारे products जो है dermatologically tested है and बहुत ज़्यादा effective है अगर आपकी skin irritated हो, sensitive हो, कैसी भी type की skin हो. So detail में हम आगे देखेंगे. बिफोर दैट अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. लेट स्टार्ट. बायोडर्मा की बात करने से पहले लेट मी टेल यू कि अमेजोन पे मेगा फैशन डे सेल चालू हो चुका है फ्रॉम 12 to 16 में. एंड अगर आपको शॉपिंग करनी है तो डू शॉपिंग फॉर फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स बिकॉज उसमें आपको 70% तक ऑफ मिलेगा. प्राइम मेंबर हो तो एक्स्ट्रा 7.5% तक का कैशबैक मिलेगा. ईजी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी है. 30 days की फर्स्ट डिलीवरी आपको फ्री मिलेगी. सो लेट्स सी द प्रोडक्ट्स नाउ. सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बायोडर्मा के इस प्रोडक्ट के बारे में. ये है बायोडर्मा का सीबम जेल मूजेंट एंड ये जो प्रोडक्ट है एकदम जेल काइंड ऑफ इसका टेक्चर है. ये एक फेस वॉश है एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है एंड कॉम्बिनेशन स्किन है दोनों स्किन टाइप वाले पीपल इसको यूज़ कर सकते हैं. ये जो सारे प्रोडक्ट है ना ये आपको एक बार तो एटलीस्ट यूज़ करने चाहिए. यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है इसीलिए आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है. सो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. सो इस टाइप से एकदम जेल लिक्विड काइंड ऑफ इसकी कंसिस्टेंसी है एंड एकदम आपको पी साइज्ड अमाउंट लेना है एंड इससे आपको फेस वॉश करना है. फेस वॉश करने के बाद इसका जो फॉर्मूला है एकदम नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है. सो आपको ऐसे लगेगा नहीं कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है एंड इवन दो ये अपने स्किन पे कोई रेसिड्यू या पार्टिकल्स नहीं छोड़ता है एकदम क्लियरली आपके स्किन को क्लीन करता है. जो प्रोडक्ट है नॉन कॉमेडोजेनिक है एंड पैराबेन फ्री है. अपने स्किन को एकदम सॉफ्ट एंड सफल बनाता है. नेक्स्ट मेरे पास है बायोडर्मा का ये नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है सेंसिपायो H2O एंड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है. मतलब बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये. सो ये है एक माइसिलर वाटर. सो यू कैन सी ये एक क्लियर एंड रनी वाटर काइंड ऑफ इसका टेक्चर है एंड ये जो माइसिलर वाटर है ना ये वाटर रेजिस्टेंट मेकअप को भी रिमूव करता है. ऑल योर मेकअप सनस्क्रीन आई शेडो मेकअप एक्सेट्रा सब कुछ ये रिमूव कर देगा एंड अपने स्किन पे ये इतना जेंटली परफॉर्म करता है कि आपको लगेगा नहीं, इरिटेट नहीं करता, टिंगल नहीं करता स्किन को. एंड ये जो प्रोडक्ट है ये इवन दो सेंसिटिव स्किन वाले जो लोग हैं वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं. इसको आपको यूज़ कैसे करना है, आपको कोई भी कॉटन पैड लेना है. अभी मैं ये वाला ले रही हूँ एंड जस्ट आपको इसको कॉटन पैड को इसमें सोक करना है. बट मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा माइसिलर वाटर ले रही हूँ एंड इसके हेल्प से मैं आपको ये जो लिपस्टिक है मैंने नॉर्मल लिपस्टिक लगाई है ये रिमूव करके दिखाऊंगी एंड ये जस्ट वन स्वाइप में ही आप इसको रिमूव कर सकते हो. यू कैन सी जस्ट इन वन स्वाइप ऑल द प्रोडक्ट गॉट रिमूव्ड एंड ये सारा कॉटन पे आ जाता है. सो इस टाइप से ये जो माइसिलर वाटर है ये वर्ल्ड बेस्ड प्रोडक्ट है. सारे जो प्रोडक्ट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट मेरे पास है बायोडर्मा का ये क्लिंजिंग मिल्क. सो ये जो क्लिंजिंग मिल्क है ना इतना अच्छा है कि आपको इस क्लिंजिंग मिल्क को यूज़ करने के बाद अपने फेस को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको इसको यूज़ करना है एंड जो फेस पे मेकअप है उसको रिमूव करना है एंड नो नीड टू वॉश विद एनी फेस वॉश. ये जस्ट मैंने प्रोडक्ट ओपन किया एंड ये थोड़ा ओवरलोडेड हो गया था आई गेस, तो ये सारा प्रोडक्ट बाहर निकल गया है. एंड ये जो प्रोडक्ट है फ्रैग्रेंस फ्री है, नॉन कॉमेडोजेनिक है एंड अगेन सल्फेट फ्री है. सो यू कैन सी ये अपने स्किन को एकदम सफल स्मूथ कर देता है, इन्होंने ऐसे क्लेम किया है एंड अगेन अच्छी तरह से रिमूव कर देता है मेकअप. देन मेरे पास है बायोडर्मा का ये मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट. सो ये आप देख सकते हो मेरे पास दो बॉटल्स है. दो बॉटल्स के अंदर मेरे पास दो क्रीम्स है, दो प्रोडक्ट है. सो ये जो प्रोडक्ट है ना ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है बायोडर्मा से एंड ये है बायोडर्मा का पिगमेंटो बायो फोमिंग क्रीम. सो ये एज अ मास्क आप यूज़ कर सकते हो, एज अ फेस वॉश यूज़ कर सकते हो एंड एज अ स्क्रब आप इसको यूज़ कर सकते हो. थिंग जो है इसके बारे में ये इसका फ्रैग्रेंस जो है बहुत अच्छा है
ये एग्जिस्टिंग जो अपने डार्क स्पॉट्स है ना उसको कम कर देता है, जो न्यू डार्क स्पॉट्स है उनका अपीयरेंस कम कर देता है एंड अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट करता है। इसमें जो AHA है इंग्रेडिएंट, जो सिट्रिक एसिड है, वो अपने स्किन को एक्सफोलिएट करता है एंड एकदम सॉफ्ट एंड सफल बनाता है। सो वॉश करने के बाद आपको एकदम सॉफ्ट स्किन मिलेगी। इसको एक बार आपको दिखा देती हूँ टेक्स्चर कैसा है। एक बार मैं पार्लर में गई थी एंड मुझे वो पार्लर वाली पूछ रही थी कि आपने फेशियल किया है क्या, एंड सच में मैंने ये वाला प्रोडक्ट अप्लाई किया था। ये वाला प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने मिलेगा एंड जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सो आपको मैं दिखा देती हूँ ये प्रोडक्ट का टेक्चर कैसा है। सो यू कैन सी इस टाइप से ये प्रोडक्ट है एंड इसमें आपको स्क्रब में जैसे पार्टिकल्स मिलते हैं वैसे टाइप के आपको इसमें पार्टिकल्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे स्क्रीन में मे बी ये नहीं दिखेंगे बट अप्लाई करने के बाद ये एज अ स्क्रब हम लोग यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैजिक, मैजिक मतलब आप मेरा फेस देख सकते हो, पूरा क्लियर हो गया है, क्लीन हो गया है एंड एकदम ऐसे लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया है लाइक ब्लीच एक्सेट्रा। सो ये है इस प्रोडक्ट का मैजिक एंड मैं कोई एक प्रोडक्ट आपको रिकमेंड नहीं करूँगी बायोडर्मा का, मैं ये चारों के चारों प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। एट लास्ट मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, ये है फ्रॉम द ब्रांड वैंडिके एंड ये जो ब्रांड है इसका मैंने हेयर ग्रोथ सीरम लिया है एंड ये हेयर ग्रोथ जो सीरम है वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ अभी रिसेंटली, मैंने एक्चुअली इसको लिया था। सो इसका टेक्चर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, एकदम वाटरी काइंड ऑफ इसका टेक्चर है। सो ज़रा भी ऑयली टेक्चर नहीं है, जब भी आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ ऑयल वगैरह लगाया है हेयर्स को, जस्ट वाटर काइंड ऑफ इसका टेक्चर है। इसमें नाइसिनमाइड है, देन अल्फा एवरुटीन है, विटामिन सी है, सैलिसिलिक एसिड है, हाइड्रोनिक एसिड है, रेटिनॉल है। सो सारा जो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमारे हेयर्स के लिए चाहिए वो सारे इसमें है। आपको क्या करना है, जस्ट आपको जब भी हेयर वॉश करना है उससे पहले आपको जब भी आपके हेयर एरिया है उसमें आपको जस्ट वन ड्रॉप ऐसे करके डालना है एंड देन आपको इजीली मसाज कर लेना है उसी एरिया को एंड देन आपको इसको वॉश ऑफ कर लेना है। सो इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि ये हेयर ग्रोथ सीरम है। मैंने क्लेम किया है आप इसको अगर डेली यूज़ करोगे तो आपका हेयर फॉल जो है 8 वीक्स तक कम हो जाएगा। सो हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल के लिए आप ये वाला सीरम जो है ट्राई कर सकते हो। इट फॉर द वीडियो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून गाइस, बाय बाय।